कि 9 महीना में तो बच्चा पैदा हो जाता है। मैंने कहा कितनी अवैज्ञानिक बात कर रहे हैं, ये तो वैज्ञानिकता है, प्रकृति का नियम है, 9 महीना में बच्चा पैदा होता है। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है क्या वो बच्चा 9 महीना में फिर बच्चा पैदा कर देगा क्या? कितनी अवैज्ञानिक बात बोल रहे हो। इस सरकार का 9 महीना हुआ, 10 महीना हुआ, सरकार पैदा हुई, अब क्या सोचते हो आप? क्या सोचते हो ना कुछ मिले तो विरोधी में गए तो कुछ ना कुछ तो कहना है ना, नहीं तो दुनिया कैसे देखेगी कि विरोधी का काम कर रहे हैं। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, अगर विरोधी का काम भी करना है तो आप अपने नेताओं को कहिए कि कुछ दिन हमारे पास आए, 6 महीना ट्रेनिंग दे देंगे कि हम विरोधी थे तो क्या करते थे। अरे नाटक भी करिए तो किसी डायरेक्टर से सीख तो लीजिए, जो गरीबी का डायरेक्टर है उससे सीखे नहीं, गरीबी का नाटक खेल रहे हैं। एक गांव में नाटक में हनुमान जी का पाठ करने वाला नहीं आया, उसने सोचा कि आज तो नाटक नहीं होगा। एक बहुत मोटा तगड़ा दुकानदार था, उनको पकड़ लाया, कहा तू नाटक कर, केवल खड़ा रहना। और जब वो खड़ा होकर पाठ करने लगा तो रावण ने डांट कर कहा कि कहाँ गया, लाओ तेल घी, लाओ इसके पूछ में आग लगाओ। उसको हुआ कि अब तो जल के मरेंगे, तो कहा हजूर हम तो हनुमान जी नहीं है, हम तो बनिया है, अपनी दुकान चला रहे थे। वैसे ही आप नाटक करिएगा। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इसको देखे दृष्टि दिशा, जब तक आपके पास में दृष्टि नहीं बनेगी, आपकी दिशा नहीं ठीक थी, आपकी दृष्टि नहीं ठीक थी, तो आप संकल्प क्या कर रहे थे? चलता है सब, आप कहे कि हम भी चले, आपका बजट चला, आपकी अर्थनीति चली, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, राजनीतिक विषमता, प्रशासनिक विषमता, क्या मैं पूछता हूं कि आपके किसी बजट से इन विषमताओं को अंत करने के लिए कोई काम किया? नहीं किया। इसलिए हमारे गुरु डॉक्टर लोहिया कहते थे कि हिंदुस्तान में जब तक जाति प्रथा है और जब तक इस जाति प्रथा का रोग रहेगा तब तक हिंदुस्तान का कल्याण नहीं होगा। भ्रष्टाचार के पीछे भी जाति प्रथा है। कोई माननीय प्रधानमंत्री बैठे हैं, हिंदुस्तान के अंदर किसी को अगर चाहेंगे कुछ कर दे, प्रधानमंत्री रहते हुए क्या है जो कर देंगे? जिस जात का सरकारी नौकर होता है, मैं भी इतने दिन तक 54 वर्ष रह के देखा, मंत्री रह के देखा, जिस जात का सरकारी नौकर उसके ऊपर कलम उठाइए तो उसके जात का न जाने कहां से कहां सभी जगह से लोग आ जाते हैं उसको बचाने के लिए। जात पर हमला, अगर किसी बेईमान पर हमला है तो जात पर हमला, किसी भ्रष्टाचारी पर हमला है तो माना जाता है जात पर हमला है। इस जात को तोड़ने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, प्रधानमंत्री जी को, कि कुछ योजनाएं ऐसी आई हैं। लेकिन मैं एक प्रार्थना करूंगा, हमको कहते हैं कि आरक्षण की बात, मैं कहता हूं शुरू दिन से सदन सहमत हो और आप भी सहमत हो तो प्रधानमंत्री जी से कहूं कि तुरंत लागू करिए। लेकिन इसमें सहमति का सवाल है, राष्ट्रीय सहमति, सदन की सहमति, आपकी सहमति, सब आरक्षण मेरा खत्म कर दीजिए। लेकिन एक कर दीजिए, सरकारी नौकरी और सरकारी सेवा, इन दोनों के लिए अंतर जातीय विवाह को अनिवार्य करिए। न रहेगी जाति, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, जातियां टूटेगी। अंतर जातीयता के कारण हिंदुस्तान में एक जाति बनेगी, वह जाति बनेगी भारतीय, वह जाति बनेगी मानव जाति। इन जातियों के रेखा को तोड़िए। इसके लिए अगर कर सकते हैं तो आप सहमत है तो बोलिए। आप कहते हैं गरीब और अमीर मिटा देंगे, yes। लेकिन न्यूनतम और अधिकतम की रेखा तय कर दे, ये सरकार करना चाहे नरेंद्र मोदी जी चुटकी में कर देंगे, क्योंकि इनका क्या बिगड़ेगा? इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी अगर न्यूनतम और अधिकतम की रेखा तय करेंगे तो इनका कुछ जाएगा न, परिवार का जाएगा न, बाल बच्चे का जाएगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। लेकिन चिल्लाने लगेंगे तो हम 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा, बड़े समाजवाद की बात करते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इनको समाजवाद की बात अपने गुरु डॉक्टर लोहिया की पढ़ के सुना दूंगा। और हमारे कुछ समाजवादी हैं, अब वो तथाकथित समाजवादी हो गए हैं, समाजवादी तो रहे नहीं लेकिन तथाकथित हैं। आप मुझको कह देंगे कि आप भाजपा में चले गए, मैं भाजपा में क्यों आऊं? आपके ऐसे दल बने, इस दल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरे कोई वहां गिरे, मैं कहां कहां दौड़ा फिरता, मैं चला आया भाजपा में। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हुकुम देव नारायण 3 बरस से ज्यादा किसी पार्टी को दुरुस्त नहीं रहने देता था, आज 20 बरस से भारतीय जनता पार्टी में अटल अटी खड़ा हूं।
इस पार्टी में जब तक कोई ताकत नहीं है, अडवाणी जी में, अटल जी में, नरेंद्र मोदी जी में, इन सब लोगों में जब कोई गुण नहीं है, तो मेरे जैसे उदंड आदमी को 20 वर्ष तक अपने पिछड़े में रख लिया कोई साधारण योग्यता है? इस बात को समझो। मैं आखिरी में कहूंगा अध्यक्ष महोदय, समाजवाद हर किसी से अन सिद्धांत की तरह एक होता है थोक, एक होता है फुटकर, एक होता है सगुन, एक होता है निर्गुण, एक होता है सिद्धांत, एक होता है कार्यक्रम। समाजवाद से एक सीढ़ी नीचे उतरो, उस सीढ़ी का नाम है बराबरी। उस बराबरी से एक सीढ़ी नीचे उतरो, गौर करिएगा कौन कौन बराबरी, आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी, धार्मिक बराबरी। उससे एक सीढ़ी और नीचे उतरो, तब उसके बाद आएगी समता, संपूर्ण समता, संभव समता। तब एक सीढ़ी और नीचे उतरो, तब अधिकतम और न्यूनतम की सीमा लगाओ। ये धार्मिक बराबरी की भी बातें भी की गई है। अगर हम धार्मिक बराबरी पर जी समाप्त करेंगे, अगर धार्मिक बराबरी पर मुझे कहा जाए तो मैं कहने लगूं तो कितनी अपनी पीड़ा सुना दूंगा कि धार्मिक बराबरी इस देश में कैसी है। उसके संबंध में मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के केवल आपके सामने मैं सुना देना चाहूंगा। समन्वय दो तरह का होता है, एक दास का समन्वय, एक स्वामी का समन्वय। मैं नहीं कहता, महान समाजवादी अर्थशास्त्री डॉक्टर लोहिया ने इसी सदन में 26 मार्च 66 को कहा था। गौर से शब्दों को सुनिए। समन्वय दो तरह का होता है, एक दास का समन्वय, एक स्वामी का समन्वय। पिछले 1000 बरस के इतिहास से हिंदुस्तान ने स्वामी का समन्वय नहीं सीखा, वह एक दास का समन्वय रहा है। मैं तो श्री नरेंद्र मोदी से सरकार से कहूंगा कि 1000 साल से भारत दास भाव से सांस्कृतिक समन्वय में रहा है, अगर वो स्वामी भाव का संबंध में भारत आना चाहता है तो क्या अपराध है। इसलिए उन्होंने कहा, इस संबंध में मैं खाली परदेशियों को ही दोष नहीं देता, उनके सबब से जितने भी इतिहासकार हैं वे सभी जहर में बिल्कुल भूल जाते हैं। आज भारत के दो इतिहास के स्कूल हैं, एक डॉक्टर ताराचंद, एक डॉक्टर मजुमदार, एक और है जो दोनों के दोनों इसी समन्वय धारा के हैं, विविधता धारा के हैं। भारत क्या है उसको भूलकर भारत के जो विभिन्न अंग है उनकी तरफ निगाह चली जाती है। क्या बात करते हैं साहब। yes. तो इससे मेरी विनम्र प्रार्थना है सदन से। अध्यक्ष महोदय, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं सदन से भी, और इस लोकसभा के चैनल को हिंदुस्तान के करोड़ों लोग देख रहे हैं। मैं उन गांव के गरीबों, किसानों, मजदूरों से कहता हूं, गांव गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ा, दलित और नौजवान, मिलके देश बनाओ। आओ देश बनाएंगे, और नरेंद्र मोदी के प्रधान रहते हुए एक बार नहीं, अगर हिंदुस्तान में आपने जितने दिन रहा एक बार में तो थोड़ी सी रेखाएं बनाई जाएगी, दूसरे बार में मिट्टी डालेंगे, तीसरे बार में तब न पिचिंग करेंगे। तो हमको भी आपको इतना समय दिया, तो मैं गांव गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, इन सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना नौजवानों से करना चाहता हूं, आओ कदम में कदम मिलाओ, मिलके हिंदुस्तान को बनाओ। सफर समता लाएंगे, आर्थिक समता, सामाजिक समता, राजनीतिक समता। अगर इन्होंने मुझको 12 रुपया महीना पर जीवन बीमा कर दिया तो बड़े लोगों का कर्जा फटने लगा कि 12 रुपया में सबको जीवन बीमा कर रहे हैं। खेत में काम करेंगे, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे तो हम जिम्मे, एक रुपया, हाँ 12 रुपया साल, 1 रुपया महीना। तंबाकू का गुटखा भी खाते हैं तो 3 रुपया में मिलता है, उससे भी सस्ता जीवन बीमा इस सरकार ने दे दिया गरीबों को। करेजा तो इसलिए फट रहा है, करेजा में दर्द इसलिए है, इन्होंने जो और योजनाएं चलाई, गाय के पशुपालन के लिए, गाय के उत्थान के लिए योजना, इत्यादि कई योजनाएं हैं, क्या गिनाऊं। हरि अनंत हरि कथन अनंत, मुद्रा बैंक बनाए, उसमें छोटे इकाई वाले को कर्जा देंगे, छोटी इकाई, वो छोटी इकाई का जो गांव वाला कर्जा खाएगा उसको किसको देंगे ये। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि एक मिनट में इस बात को कह के खत्म करूंगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वे के मुताबिक देश में 5.70 करोड़ उद्यमी हैं, इनमें 11 लाख करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है, इनसे 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन इस क्षेत्र के उद्यमियों को पूंजी में कर्ज का हिस्सा केवल 4% है, जबकि अनुमान के अनुसार बीते 22 वर्षों में बड़े उद्योग में 50 से 60 लाख करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है, इनसे मात्र 22 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध है। ये छोटे उद्योग को
लोहार को, कुम्हार को, हजाम को, ये जो छोटे छोटे ये जाति छूटेगी इससे। जाति आधारित हिंदुस्तान में पेशा है और पेशा के आधार पर जाति बनाया गया। अब इन रोजगार के जरिए उनके हाथ को काम देंगे, उन छोटे उद्यमियों को रोजगार देंगे। इनके कलेजा में दर्द हो रहा है कि नरेंद्र मोदी आया है, मुद्रा बैंक बनाएगा, गांव के गरीबों के हाथ में रोजगार जाएगा। ये गरीब बनेंगे पहलवान, गरीब बनेंगे विद्वान, गरीब बनेंगे बुद्धिमान, गरीब के हाथ में जब ताकत आएगी तो आपके आगे शरम गच्छामी नहीं होंगे, न फूड सिक्योरिटी खाएंगे, न मनरेगा खाएंगे। हम अपने पसीना और पुरुषार्थ से, अपनी कमाई से इस देश को बनाएंगे। हम आपके भिकमंगा बन के जिए हैं, अब हम स्वाभिमान के साथ जिंदा रहना चाहते हैं। इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।